नमस्कार, मैं रितिका तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के एक कलाकार जिनका नाम है शरद वाजपेयी। तो चलिए जानते हैं उनकी भोपाल से बॉलीवुड तक की जर्नी कैसी है। नमस्कार शरद। हेलो। तो आप भोपाल से हैं, आपको भोपाल से बॉलीवुड जाने में आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक? जर्नी अभी तो बहुत और बाकी है, अभी कुछ हासिल ही नहीं किया है। शुरुआत बहुत टफ थी क्योंकि स्टार्टिंग बैकग्राउंड बिल्कुल है नहीं हमारा, फैमिली अदर बैकग्राउंड से, सब इंजीनियर, कोई डॉक्टर है और मुझे एक्टर बनने की लगी। तो स्टार्टिंग यही हुई थी कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उज्जैन से भोपाल आ रहे थे, मैं फैमिली के साथ महाकाल गया था। तो ऐसे रैंडमली एक इंसान मिला रास्ते में, उसको सीट चाहिए थी, हमारा रिजर्वेशन था, तो उसने कहा यार आप अपनी सीट शेयर कर दोगे, भोपाल 4 घंटे का सफ़र था। तो मैं उस टाइम 12th में था, मैंने कहा ठीक है नो इशू, आप बैठ जाइए। वो बैठे, सर ने अपनी हिस्ट्री दिखाई कि यार मैं शूटिंग में काम करता हूँ और देखो मैंने सैफ अली खान के साथ आरक्षण करी है। अरे वाह यार एक्टर है ये वो, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो सर आपका नंबर मिलेगा, नंबर लिया, बाद में पता चला वो जूनियर आर्टिस्ट था। बट जो भी है उसके साथ मैंने कम से कम उस आदमी के साथ 4-5 महीने जोड़ा रहा, उसने बहुत से लोगों से मिलवाया। तो उसी के थ्रू मैंने सत्याग्रह में बैकग्राउंड मतलब ऐसा जूनियर आर्टिस्ट काम किया था। कीड़ा तो आ गया था अंदर, एक्टिंग करनी है। करते करते ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट का काम करते करते बहुत सारे ऑडिशंस दिए, फिर किसी ने बोला यार अगर तुमको करने ही है प्रॉपर तो पहले थिएटर करो, क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल के पीछे भाग रहा था और एक्टिंग स्कूल में क्या पैसा बहुत लगता है और फैमिली बैकग्राउंड इतना था मगर सपोर्ट नहीं कर सकते थे वो फाइनेंशियली। मैंने कहा ठीक है थिएटर करता हूँ। तो फिर मुझे नंबर मिला 2-4 थिएटर ग्रुप का, मैं गया मगर एक एक हफ्ते जाके मुझे मज़ा नहीं आया कहीं पर। फिर मैं गया त्रिकर्षी नाट्य संस्था में, KG त्रिवेदी चचा, तो उनके पास जब मैं गया तो फिर उन्हीं का ही होके रह गया कि मतलब चचा मतलब वाओ, जीरो से अगर एक नंबर भी पहुंचाते हैं तो वो काम पूरे MP में चचा के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो उन्हीं के यहाँ लर्निंग चालू हुई। फिर ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में, जब आप कुछ नहीं होते हो, जो कुछ कर रहे होते हो स्ट्रगल रहता है आपका थोड़ा बहुत भी, तो बहुत से लोग डीमोटिवेट करने वाले रहते हैं। तो मेरा फ्रेंड सर्कल था एक स्कूल टाइम का, अरे यार तू कुछ नहीं करेगा, तू 2000 रुपये की नौकरी करेगा। तो मैं क्या जिम में पार्ट टाइम जॉब करता था कि यार मैं थिएटर जा सकूं और मेरे से कन्विंस हो जाए। तो बहुत से लोगों ने ये बोला तुम कुछ नहीं करोगे, तुम 2000 रुपये की नौकरी करोगे बस। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब थिएटर करने लगे, पेपरों में लोगों को फोटो दिखने लगी तो लोग जुड़ने लगे, फिर मैं लोगों से कटने लगा। काम करा तो एक बार मैं एक ऑडिशन देने गया था, नाम नहीं लूंगा उनको, भोपाल के ही हैं, पॉइजन क्लब में ऑडिशन चल रहा था। हो सकता है उस टाइम पे मुझे कुछ आता था या नहीं आता था, तो उन्होंने बहुत बेकार बेइज्जती कर दी थी। ठीक है मैंने कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम आप ही मुझे बुलाओगे। फिर ऐसा था कि अभी लास्ट ईयर उनका कॉल आया कि आज आ जाओ, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, चचा गया मैंने सीखा, पहले सीखने के बाद ही आगे बढ़ा और अभी इतना भी आगे नहीं है, मतलब हाँ काम करा है और करना है भोपाल में। और सत्याग्रह से तो जो शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट हुई थी उसके बाद से मैंने क्राइम के कम से कम 40 एपिसोड ऐसा लीड करें, और अभी भोपाल में अगर किसी को कोई पुलिस का ऑप्शन चाहिए होता है तो बोलते यार शरद को बुला लेते हैं। तो ये है, स्त्री करी थी, संजू करी है, और अभी मेरी रिसेंट लास्ट ईयर वेब सीरीज आई थी शिक्षा मंडल, प्रेम सिंह का कैरेक्टर था मेरा उसमें, वो भी पुलिस ही थी पुलिस इंस्पेक्टर था। अभी रिसेंट में करके आया हूँ गुलाल, तो उसमें अगस्त नाम का कैरेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, करप्ट रहता है और लीड कैरेक्टर है। 4 सीरीज है उनकी, अभी फर्स्ट शूट हो गई है, अभी इनका OTT डिसाइड नहीं है बट वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो ऐसे ही चल रही है जर्नी। बाकी हाँ MP में एज अ लाइन प्रोडक्शन में काम करता हूँ, ऑल ओवर MP कवर है। एज अ लाइन प्रोडक्शन मैंने बहुत सारे काम कर लिए भोपाल में, MP में, जिम्मी शर्मा का रिसेंट शूट हुआ था मिस्टर सक्सेना वो किया, अनुष्का शर्मा और सतीश राय का वो प्यार वर्सेस दोस्ती था वो, अभी अपार शक्ति खुराना के साथ अमेजन प्राइम का करके आए हम लोग चंदेरी में। तो बस छोटा मोटा चलता रहता है, और एज अ एक्टर तो मतलब लगे हूँ कि और ग्रोथ करनी है, क्योंकि
बहुत छोटा सा है अभी तो सफर, और लंबा करना है उसको, जर्नी स्टार्ट है अभी, मुकाम पे पहुंचे नहीं है, जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन देखो क्या होता है। तो जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारे सत्याग्रह जैसे नई मतलब मूवीज में काम किया है, तो अभी तक आपने मतलब कब से शुरुआत की और अभी तक आपने कितना काम किया है? मैंने सत्याग्रह में ऐसा जूनियर आर्टिस्ट किया था, उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल में था उसमें भी जूनियर आर्टिस्ट किया था। उसके बाद से पता चला कि एक्टिंग होती क्या है, क्योंकि एक्टिंग लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार बहुत वो है और लाइमलाइट मिल जाएगी, हो जाएगा, एक तपस्या होती है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, बिना तपे आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोगों को लगता है यार मैं 6 महीने थिएटर करूंगा या 6 महीने एक्टिंग क्लासेस करूंगा, मुंबई चला जाऊंगा, मत जाओ, 6 साल वाले भी पड़े हुए हैं भोपाल में। तो उसके बाद से मैंने काफ़ी काम किया, मतलब पॉलिटिकल ऐड मैंने कम से कम 20 से 25 पॉलिटिकल ऐड कर लिए, और अपना क्राइम का ऐसा कोई सीरीज नहीं बचा, किसी चैनल का सीरीज नहीं बचा जो ऐसा लीड मैंने नहीं किया। बाकी तो OTT पे 4-5 काम किए हैं अभी रिसेंटली किए हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं आप लोगों के सामने। जैसा अभी आप बॉलीवुड में आपने एंट्री ली है, आपने इतना काम किया है, तो आने वाली जनरेशन को आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले अगर आपको इस फील्ड में आना है तो लर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना तो आपको तपना पड़ेगा, और आपको आना है 1 line 2 line 1 day 2 day टर्शरी कास्टिंग में काम करना है तो भोपाल में चल रहा है, लोग कर रहे हैं, करते रहिए। अगर लंबा काम करना है, प्राइमरी काम करना है, तो आपको तपना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है कहीं मत भागो, थिएटर करो। मेरा आखिरी सवाल, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश को अब मूवियों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन, आपकी क्या राय होगी? लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, शूटिंग फ्रेंडली हो गया है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि कोई शूटिंग से नाम पे अपना घर नहीं देता था, अभी आप शूटिंग के लिए बोलोगे 50 लोकेशंस हैं, और ऑल ओवर MP इतना खूबसूरत है कि लोग मतलब शूटिंग फ्रेंडली हो चुका है, जितने भी प्रोडक्शन आते हैं, डायरेक्टर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो वो यही चाहेगा कि उसको शूटिंग फ्रेंडली माहौल मिले, होटल से लेके लोकेशन से लेके लोकल लाइन प्रोड्यूसर भी, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं है। और मेन चीज़ है कि हमारे MP में और भोपाल में आर्टिस्ट बहुत हैं, क्योंकि आप दिल्ली चले जाओ या आप कहीं पर भी जाओगे लोकल आर्टिस्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या इंदौर जैसी सिटी में भी नहीं मिलेंगे, भोपाल से भेजने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है कि भोपाल में लोकल आर्टिस्ट बहुत हैं, क्योंकि यहाँ थिएटर बहुत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, ये थी न्यूज़ 18 के लिए ऋतिका तिवारी की खबर, धन्यवाद।